हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है सूरत, और ये है सूरत का एयरपोर्ट, और जहाँ की मतलब बहुत ही सुंदर है। मैं मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे कैब बुक की थी एंड हम कैब से जाने वाले थे होटल। तो मैं एक चीज़ और आप सबके बताना, कुछ चुनिंदे लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी सासू माँ हैप्पी नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कौन सी ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों के साथ कहीं जाए वो खुश ना हो। तो शायद ऐसा आपके घरों में होता होगा। मेरे घर में तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी हमारे साथ बाहर निकल के, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था एंड हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि हम अपनी मम्मी को अपने साथ लेके जा रहे हैं। अपने कुछ काम थे हमारे जो कि आगे आपको पता चल जाएगा, तो इसके लिए। एंड ये है होटल जहाँ पर हम लोग एंटर कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि आवाज़ गूंज रही है यहाँ पे, अभी खाली है कहीं नहीं है। तो फाइनली यहाँ से मैं अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम होटल पहुँच गए हैं एंड ये एयरपोर्ट के पास है, द वीकेंड करके कुछ नेम है। तो हम पहुँच गए हैं अपने होटल एंड यहाँ पे हम चेंज वेंज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे, पति देव जाएंगे अपने काम से एंड उसके बाद हम लोग कहीं जाएँगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो मैं आपको अपने रूम दिखाती हूँ कि क्या रूम है या सारी चीज़ें। चलो चलते हैं। अधन भी बहुत रो रही है। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर रूम में। एंड मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे कि आपकी बेटी को या तो आपके हस्बैंड ने ले रखा है या तो आपकी सासू माँ ने, आपने बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं ले रही थी तो उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है मैं कैमरा हैंडल नहीं कर सकती। तो इसीलिए जब मम्मी या इनके पास रह रही थी तब मैं वीडियोज़ शूट कर रही थी, एंड उसके बाद जब मेरे पास रहती तो मैं नहीं कर पा रही थी। इसीलिए आपको मैं नहीं नज़र आ रही हूँ जब धनवी मेरे पास थी। घर बैठे एडिशनल अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। Momo Honest Trending is an additional source of income and small daily expense. Binomo has 2 million successful traders in India. So are you Binomist? Join now. चलो अब मैं आपको ट्रेंडिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप अपना असेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अमाउंट पे जाके आप अपना अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 1000 रुपए सेलेक्ट कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे। एंड यहाँ देखिए, पिछले 20 मिनट से ग्राफ ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा है, तो मैंने ट्रेड अप की तरफ लगा दिया है। सो जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो बिल्कुल सही जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है एंड तो यहाँ देखो मुझे हो गया प्रॉफिट 1840 रुपए का। ये पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप अगर यूज करते हो सो आपको डेमो अकाउंट में 65000 रुपए मिलते हैं। प्रति 350 रुपए से डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 350 रुपए का डबल मिलेगा, 700 रुपीज। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो Binomo ऐप को आप लोग डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। एंड आर यू Binomist? तो ज्वाइन नाउ। चलो अब ब्लॉग को आगे आप कंटिन्यू। और सही बताऊँ ना तो धनवी ज़्यादा से ज़्यादा घर पे भी पूरे दिन मम्मी के पास ही रहती है और पापा जी के पास ही उसका पूरा टाइम बीतता है। तो कि मुझसे ज़्यादा मम्मी उसको अच्छे से संभाल पाती हैं, इसलिए जो यहाँ पे भी ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे कि वो मम्मी के पास ही। और हेलो एवरीवन, सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सेकंड ब्लॉग। हम अपने होटल में आ चुके हैं, अपने होटल रूम में, और होटल रूम में आने के बाद का हाल देख सकते हो आप लोग। मम्मी फैल गई, धनवी फैल गई, ये फैल गए पहले ही में हो। मम्मी कहाँ से, मम्मी का बैठने वाला पोजीशन लग रहा है आपको? मम्मी की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी खराब हुई है, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज्यादा बैठना पड़ रहा है। हाँ नहीं 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 बोलूंगी, खराब हुआ है। हाँ तो हम लोग अपने रूम में पहुंच गए हैं। अब आगे का प्लान बताइए, क्या है आगे का प्लान? खाएंगे पियेंगे, नाश्ता ऑर्डर करके नाश्ता रहेगा, खाएंगे सो जाएंगे थोड़ी देर, 2-4 घंटा अच्छे से। तो आगे सोने आया ना सूरत में बड़ा, और इसके बाद सूरत में बाहर का मौसम तो दिखाइए। अभी बाहर का सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे, सारा व्यू दिखाएंगे इनको, पूरा रूम अच्छे से दिखाएंगे। हाँ देखो थोड़ा सा दिखाती हूँ अभी, वरना मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी। अभी नहीं, अभी दिखा रही हूँ ना, रूम में अंदर से सब कुछ दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा रूम है, आखिर पसंद किसका था?
और बहुत अच्छा लगा हमें, अभी तो कहीं घूमे नहीं है तो अच्छा क्या लगा, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि जो हमारे रूम के बाहर का ये है, हमारे रूम के बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हो, कितना ज्यादा ग्रीन 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 सब है। एंड यहाँ पे ये झूले भी लगे हुए हैं हमारे होटल में, तो यहाँ पे झूले को देख के बाबू की याद आ गई धनुआ की, वो रहते तो खूब झूलते, और धनु तो अभी छोटी है। तो ये है कर देख सकते हैं आप, हाँ वो बहुत ठंडा हो गया था। आज मैंने पहनी थी ये वाली ड्रेस, सो थोड़ी देर में हम लोग नहाएंगे धोएंगे चेंज करेंगे और फिर नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे कहीं घूमने शॉपिंग करेंगे। कहाँ जाएंगे ये बताएंगे, कहाँ जाएंगे? सूरत आएंगे तो सूरत तो एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड इंडिया में, किस चीज के लिए? साड़ी के लिए। हाँ साड़ी के लिए साड़ी दिलाएंगे, इसीलिए तो आए हम। तो हम जाएंगे इसके बाद फ्रेश व्रेश होके रघुगोल टेक्सटाइल मार्केट, रघुगोल टेक्सटाइल मार्केट जो स्मृति बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है, तो हमने सोचा जब आए हैं तो एक बार घूम लेते हैं, खुशी देख सकते। और एक चीज आप लोगों ने देखा नहीं बताऊ, मैंने और इन्होंने और धनु ने, हम तीनों ने सेम कलर की ट्विनिंग की हुई है ड्रेस। पापा का नाश्ता बन रहा है, सोचो। सो अभी हमने मॉर्निंग का सुबह सुबह का नाश्ता ऑर्डर किया है, धनु ने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि धनु ने वॉमिटिंग कर दी थी मम्मी को तो फाइनली खाना आ चुका है, ये रहा हमारा खाना, हम जा रहे हैं खाने। इतनी गंदी वाली भूख लगी है ना, इतनी गंदी वाली कि मतलब मैं क्या ही बताऊं कितनी गंदी वाली भूख लगी। तो वैसे से भूख आई है मैं इनसे, मैं मम्मी से कह रही मम्मी ये फ्लाइट में कुछ खाने को दे देंगे क्या मुझे? एक्चुअली 2 घंटे से कम की ड्यूरेशन की जो फ्लाइट होती है उसमें आजकल, अब एक ये चीज मेरा रह गया फ्लाइट में कुछ खाने को नहीं मिला, अब एक बार फिर एक ही को बहाना चाहिए। अब अगला हाल ही मैंने कह लिया कि खाली फ्लाइट में सिर्फ खिलाने के लिए, ये तो नहीं 1.5 घंटे का था तो कहीं ऐसी जगह हम लेके जा रहे हैं मुझे जहाँ 2 घंटे का हो सफर, जहाँ मुझे कुछ खाने को मिले फ्लाइट में, ठीक लेके तो निकॉर्ड हो जाओ ना। अच्छा ठीक है, सो फाइनली हमारे रूम से इतना सुंदर सा व्यू दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये कितना ज्यादा प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा। और यहाँ पे देखो झूले भी लगे हुए हैं, धनुआ की याद आ गई इस झूले को देख के, यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है, एंड ये बहुत ही सुंदर सी जगह है गाइस, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये तो हमारे होटल का ही व्यू है। हाँ ये सारा ही एक ही होटल है, फोन गिर जाएगा मेरा, इधर दिखाओ मुझे, मेरा फोन गिर जाएगा। तो हमने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करके सब लोग फैल गए हैं, मैं मम्मी पति देव और धनवी हम सब लेटे हुए हैं, इतनी थकान हो गई है, और हम सोच रहे हैं कि हम 1 से 2 घंटे आराम कर लें और उसके बाद फिर हम नहा वहा के रेडी होके और फिर निकलेंगे, थोड़ा बहुत जो आसपास की जगह है वो घूमेंगे और पति देव अपना काम करेंगे ऑफिस का, जिस काम से वो आए हैं वो जाएंगे, और तब तक हम लोग होटल में वेट करेंगे उनका, और देखते हैं पहले वो अपना काम ख़त्म करने जाते हैं या पहले हम ही थोड़ा सा घुमाते हैं क्या होता है वो, मैं आगे आपको ऐसे जैसे भी जो भी होगा अपडेट देती रहूँगी। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, है ना धनवी? थोड़ी देर में मिलते हैं, मेरा और धनवी का ये पहला घूमी घूमी है शादी के बाद, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे बाहर अपने हस्बैंड के साथ, और धनवी तो भाई कितनी लड़की है,
फोर मंथ्स की हुई नहीं कि घूमी घूमी करने आ गए, फोर मंथ्स की हुई नहीं कि घूमी घूमी आ गए, तो फाइव मंथ्स की हुई थोड़ी है, फाइव मंथ्स चल रहा है, फोर मंथ कंप्लीट हो चुका है। बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग को दिख रहा होगा ना मेरे फेस से जो स्माइल है ना वो रुक ही नहीं रही है। बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। अभी मैं आपको रूम दिखाऊंगी। सो मैंने सोचा कि चलो आपको रूम दिखा देते हैं। तो छोटा सा रूम था, इसमें मैं और मम्मी हम तीनों जने एक ही रूम में थे, हमें दूसरा रूम नहीं लेना था, हम तीनों को साथ ही रहना था, इसलिए हमने ये एक रूम लिया था, छोटा सा बहुत ही प्यारा सा रूम।